क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y equals to x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए जब भी कभी हमारा कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, अगर इसके पैरेलल में रहेगा टेंजेंट किसी कर्व पर तो इसका मतलब यह है कि इस वाले टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा। तो मैं कर्व दिया हुआ है ये y equals to x पावर 3, इसका हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy upon dx फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, ये हमारा dy upon dx टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसे हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे। क्या पहले हमने लिख दिया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, इसकी जगह रख दिया हमने ये इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। 3 इनमें से कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ये 3 इधर 0 के अपॉन में चला जाएगा इस तरह से, और 0 के अपॉन में जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो 3 बन जा 3, तो x स्क्वायर इस 2 की जगह हम 3 माइनस 1 लिख देंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 बचा, यहां से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 बचा इक्वल्स टू में 0, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो x 3 के इक्वल होगा या x माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गए, हमें तो पॉइंट्स बताने थे ना, तो पॉइंट्स हमारे किस तरह से होंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और यहाँ y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें जो कर्व दिया हुआ था ना उसमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन, मैंने ना ये इसे यहां भी लिखना, तो वैसे ये इक्वेशन बन मान ली, लिख रहे व्हेन x इक्वल टू 3 फ्रॉम वन इक्वेशन, ठीक। तो हम जहां पर भी x है ना उसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 और प्लस का 7, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस का 7, इस 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ माइनस का 20, सो पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा हो जाएगा 3 कॉमा माइनस का 20, ठीक है। लिख रहे व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 1, अब फिर दोबारा से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर्व में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो y इक्वल्स टू x की जगह हमने कितना पुट करा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 3 ऐसे रहा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस 3 की, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, ये तो माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 16 हो गया, कितना बचेगा प्लस का 12, सो पॉइंट इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा माइनस का 1 कॉमा 12। तो देखिए इस कर्व पे दो ऐसे पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, जहां पर टेंजेंट जो जा रहा है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा,